रेनू रेनू। हाँ भाभी, चाय बना दे मेरे लिए। भाभी मैं कपड़े धो रही हूँ, सुबह से दो बार लाइट जा चुकी है और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप बना लो खुद। देखो ये नौकरी मेरे लिए नहीं कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था नौकरी करनी है करो, पर मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। पर भाभी आप मेरी भी तो मजबूरी समझो। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। तुम्हें ऑफिस जाना है या नहीं? यार बिठाऊं तुम्हें घर पे, करवा दूंगी अच्छा ऑफिस सा तुम्हारा। ये लो भाभी। कपड़े कितने रह गए? एक बार के रह गए हैं भाभी, बाकी सारे धुल गए। और खाना बना दिया? सब्जी बना दी, आटा गूंद के रख दिया। तुम्हारे भैया ऑफिस चले गए क्या? हाँ चले गए वो ऑफिस, मैंने तैयार करके दे दिया था टिफिन उनको। आप तो सो रही थी भाभी, कम से कम अपने हाथ से टिफिन तो दे दिया करो, इतना तो कर ही सकती हो। क्यों उनके भोलेपन का इतना फायदा उठाती हो आप? ठीक है जा अपना काम कर जाके, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। बढ़िया ही मुझे भाषण देने वाली। मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। कहाँ थी इतनी देर? टाइम देखा है क्या हो गया है? कहीं नहीं गई थी भाभी, बस खराब हो गई थी, अब दूसरी बस मिली नहीं जो उसमें आ जाती। मैं सब समझ रही हूँ, गवार नहीं हूँ, गांव की जरूर हूँ पर गवार नहीं। और अगर उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस घर से बाहर निकालते में देर नहीं लगेगी तुम्हें, समझी? तो इसलिए ध्यान रखना। भाभी कहीं नहीं गई थी, मेरी बस ही खराब हो गई थी और मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ। ठीक है चल जा। आखिर इसका सोचना पड़ेगा मुझे। अरे लोग तो मुझ पर उंगली उठाएंगे कि बिना माँ बाप की बेटी थी, बताओ इसकी भाभी संभाल नहीं पाई। अब मैं अकेली जान क्या क्या करूं, इस घर को संभालूं, इसको संभालूं, बहुत मुश्किल है, क्या करूं? अच्छा भाभी मैं जा रही हूँ, आज की छुट्टी कर ले, जाना जरूरी है। छुट्टी कर लूं? पर क्यों भाभी, मैंने काम तो सारा कर दिया। फिर आज मेरी सहेली आएंगे घर पे, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब चाय नाश्ता वो कौन तैयार करेगा? अब मैं उनके साथ बातें करूंगी या फिर मैं चाय नाश्ते की तैयारी करूंगी, इसलिए। पर भाभी आज तो हमें सैलरी मिलने वाली थी और मेरा जाना बहुत जरूरी है। सैलरी मिलेगी? अच्छा ठीक है, जा तो ऑफिस ही जा, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है चलती हूँ। सैलरी जरूरी है, चाय नाश्ता तो मैं भी देख लूंगी जैसे तैसे। अब तक नहीं आई है लड़की, वैसे तो आधा घंटा है पर पता नहीं क्यों जिस दिन इन्हें सैलरी मिलती है उस दिन तो मेरा एक एक पल काटना भारी हो जाता है, जैसे सैलरी इन्हें नहीं मुझे मिलने वाली है। वैसे सैलरी तो मुझे ही मिलेगी। अरे कितनी देर लगेगी, कब आएगी? आ गई? हाँ भाभी। चाय पिएगी? चाय?
भाभी नहीं मत पियो, मुझे क्या, एक तो बना रही थी तुम्हारे लिए, तो लाओ। क्या? सैलरी। ओ मैं भूल गई थी। ये लो भाभी। इसमें तो 3,000 कम है। हाँ भाभी वो मैंने रख लिए थे। इस बार है ना मुझे एक दो जोड़ी कपड़े और वो सैंडल लेने हैं, टूटने वाले हो रहे हैं, कभी भी टूट सकते हैं। अरे नए लाने की क्या जरूरत है, मेरे पास रखे हैं वो पहन लेना। तुम्हें तो पैसों में आग लगाने से मतलब है, पता भी है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। लाओ बाकी के पैसे भी दो मुझे, सैंडल लाने हैं। अब जाओ जाकर अपना काम करो। यार तेरा घर बहुत छोटा है, बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते? हाँ छोटा तो है पर बहुत है। इस घर में हम 3 जने ही तो रहते हैं, मैं और भैया भाभी। अरे हाँ तेरी भाभी से याद आया, भाभी कहाँ है तेरी? भाभी रेनू ये प्रेस के कपड़े हैं, ये दे आना। ठीक है भाभी। भाभी ये मेरी फ्रेंड है। ही दांत मत दिखाओ, नमस्ते भी करनी होती है बड़ों से। नमस्ते अब कहने से करी तो क्या फायदा, फिर भी ले लेती हूँ तुम्हारी नमस्ते। ये तुम्हारी भाभी है? हाँ क्यों, इन्हीं की तू इतनी तारीफ करती रहती थी। मैं तो सोचती थी तेरी भाभी अच्छी खासी मॉडर्न होगी, पर ये तो गांव की गवार लग रही है। अरे कपड़े पहनने का तरीका तो देखो इनका। क्यों क्या खराबी हमारे पहनावे में? और गवार किसको बोल रही है, तुझे तमीज है बोलने की? मेरे घर में मेरे ही सामने मुझे गवार बोल रही है, तुझे तमीज है बोलने की? बदतमीज कहीं की। खड़ी हो। क्यों क्या हुआ? मैंने कहा खड़ी हो, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी भाभी को गवार कहने की? गलती तो सारी मेरी है जब मैंने तुझे अपने घर बुला लिया। अरे तू है ही नहीं घर में बुलाने लायक, जो मेरी भाभी की इंसल्ट करे वो मेरी फ्रेंड हो ही नहीं सकती। निकल मेरे यहाँ से। तू अपनी इस गवार भाभी के लिए मेरी इंसल्ट कर रही है, याद रखना तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ गया। कोई बात नहीं रेनू, मैंने भी कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा किया था, पर आज तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। भाभी मैंने तो आपको हमेशा अपनी मम्मी की जगह रखा है, पर आज से आपको मम्मी मानने की जरूरत नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि आज से और अभी से मैं आपको बेटी मानूंगी और वही करूंगी जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है।